नरेंद्र मोदी का जलवा इस वक्त सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया मान रही है। वैसे जीत का ये मिशन आज से जारी नहीं है, ये तो उस वक्त से चला आ रहा है जब वो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे। उस वक्त भी वो बीजेपी का परचम जहाँ जहाँ लेकर गए वहाँ पार्टी की साख मजबूत होती चली गई। हरियाणा भी ऐसा ही प्रदेश है जहाँ बीजेपी हिट है, क्योंकि मोदी सियासत में आज भी फिट है और तब भी फिट थे। ये बात साल 1995 से 2000 के बीच की है, जब मोदी जी को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। उन दिनों हरियाणा में कांग्रेस, इनेलो और हरियाणा विकास पार्टी का दबदबा था। 1991 के चुनाव में बीजेपी यहां से सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी और 70 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन मोदी जी की मौजूदगी ने यहाँ पार्टी को नया बल दिया और परिणाम काफी हद तक बीजेपी के लिए सकारात्मक ही रहे। 1996 में बीजेपी ने यहां से 11 सीटों पर जीत दर्ज की और सिर्फ 3 सीटों पर जमानत जब्त होने की नौबत आई। उस वक्त बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रमेश जोशी हुआ करते थे, अब कमान उनके बेटे संदीप जोशी के हाथ है, जिन्हें ये मानने से कोई गुरेज नहीं है कि प्रदेश में बीजेपी की साख मजबूत करने में नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। यानी जिस संघर्ष ने बीजेपी को हरियाणा में सत्ता तक पहुँचाया है उसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को भी जाता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com, www.newslivempcz.com।